हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर था क्लास 10th का, इसको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये हमारा जो है ये वीडियो नंबर 4th होगा। इससे पहले जो है हम 3 वीडियो जो है में रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण और कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है को संतुलित किए थे। तो आज जो है हम सब जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, टोटल 12 अभिक्रिया है, तो वो कौन कौन अभिक्रिया होता है, तो ये सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है जिस प्रकार मैथ में नंबर होता है, संख्या होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो नंबर होता है, तो इसमें देखते हैं कि एक जो है सम है या विषम है, दो सम विषम, भाज्य भाज्य, परिमेय अपरिमेय में, धनात्मक ऋणात्मक, तो इस तरीके से इसको बांटते हैं। तो अगर एक की बात किया जाए सम विषम में तो विषम संख्या है, दो जो है सम विषम में देखा जाए तो सम संख्या है। ठीक उसी प्रकार जितने भी अभिक्रिया हैं, जैसे लिखते हैं कि हाइड्रोजन है और इधर ऑक्सीजन है, इससे क्या बनता है, तो इससे बनता है जल। तो ये कौन सी अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया लिखे हैं किस अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया का ये उदाहरण है, तो यही सब जो हम सब जानेंगे कि आखिर अभिक्रिया कौन सा होता है। तो इसमें टोटल जो है 12 अभिक्रिया है जो आपको लिस्ट जो है दिख रहा होगा। तो इस 12 अभिक्रिया में सबसे शुरू में जो है दो अभिक्रिया है। दो अभिक्रिया में पहला जो अभिक्रिया है, पहला अभिक्रिया है संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको जो है संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब ये संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि बहुत सारा तत्व जो है मिलकर एक तत्व का निर्माण कर लेता है, बहुत सारा। अब जैसे ए है, बी है, कोई तत्व ए है, बी है, तो ऐसे ये दोनों जो है, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या कर लेगा, कोई एक ही तत्व बना लेगा। संयोजन में जुटेगा बहुत लेकिन बनेगा एक। अब जैसे इसका उदाहरण अगर देखते हैं प्रैक्टिकल रूप से, तो जैसे जो खिचड़ी हमारा, तो खिचड़ी जो बनता है चावल, दाल, इसमें विभिन्न प्रकार के जो है मसाला का यूज कर लेते हैं, फिर जो है सब्जी हुआ और इसमें आलू वगैरह रख देते हैं, तो जितने भी सब्जी वगैरह टाइप का होता है सब्जी भी इसमें मिला दिया जाता है, और ये सब मसाला वगैरह रख के एक तैयार होता है व्यंजन जिसको हम बोलते हैं खिचड़ी। तो यहाँ पर जो खिचड़ी का जो बनना हुआ, बहुत सारा इसमें तत्व, बहुत सारा पदार्थ को मिलाए हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर जो एक नया पदार्थ बनता है, तो उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में एक ही चीज़ बनेगा। अगर इसका उदाहरण अगर लेते हैं तो जैसे देखते हैं कार्बन अभिक्रिया किया ऑक्सीजन से, तो इसमें दो लोग था, कार्बन ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया करके जो है बना लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो है हाइड्रोजन और ये सल्फर से अभिक्रिया करके बना लिया H2S। ये सब कैसे बनता है, इससे पहले के वीडियो में जो है हम बता चुके हैं, इसलिए इसमें जो है वो उतना गौर करने की बात नहीं है। और ये जो संतुलित है या नहीं है, तो आप जो संतुलित इसको कर सकते हैं, जो संतुलित है तो अच्छी बात है, जो संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित कर सकते हैं। फिर आगे लिखते हैं सोडियम है, अब ये अभिक्रिया किया क्लोरीन के साथ, तो इससे बना सोडियम क्लोराइड। तो ये सब के सब अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो है अभिक्रिया करके, संयोग करके, संयोग मतलब जुड़ के एक नया पदार्थ, याद रखिएगा एक ही नया पदार्थ इससे बनेगा, एक से अधिक नहीं बनेगा, एक से अधिक नहीं बनेगा। अब जैसे लिखते हैं जिंक, ये अभिक्रिया किया कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर क्या करता है कि ये जिंक जो है कॉपर को हटा देता है, तो कॉपर बेचारा बाहर निकल गया और सल्फेट से जाके अभिक्रिया कर लिया, तो ZnSO4 हो गया। तो यहाँ देखिए कि अभिक्रिया एक दो पदार्थ इसमें भाग लिया है, अभिकारक में दो पदार्थ है, लेकिन बना भी है दो, प्रतिफल बना, प्रोडक्ट भी हमारा जो आया है दो आया है। तो ये अभिक्रिया संयोजन नहीं हुआ, ये कोई दूसरा अभिक्रिया होगा, तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेगा और जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, और ऐसा होता है दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करें और प्रोडक्ट एक ही बने, तो इस अभिक्रिया को ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
तो आपको जो है लैंग्वेज भी दिख रहा होगा, आप लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके संयोग करके सिर्फ जो है केवल एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और उसमें उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या उदाहरण लिखा गया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको संतुलित करने का जो है, अब इसमें जो संतुलित किया जाता है आप जो है कर सकते हैं इसको संतुलित, जो भी अभिक्रिया आप से नज़र आए तो आप संतुलित कर सकते हैं। तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया रहा। संयोजन के बाद जो अभिक्रिया होता है वियोजन अभिक्रिया होता है। वियोजन अभिक्रिया है। ये वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ जो है जुड़ के एक नया पदार्थ बनाता है, और इसमें केवल एक पदार्थ जो है टूट जाता है और कई पदार्थों में विभक्त हो जाता है। एक कोई बड़ा पदार्थ होगा, बड़ा अणु होगा, बड़ा जो है यौगिक हो सकता है, और अन्य दो या दो से अधिक जो है छोटे पदार्थों में विभक्त हो जाता है। तो इसलिए इसको जो है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब अलग होना, टूट जाना, डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट मतलब अलग हो जाता है। तो अब इसका अगर उदाहरण हम देखें, लिखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जब इसको गर्म करते हैं ना तो इससे बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें से पानी निकल जाता है। तो ये जो हमारा अभिक्रिया हुआ, ये कौन सी अभिक्रिया हुआ, तो ये अभिक्रिया हुआ वियोजन। फिर अगर देखते हैं आगे, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूटेगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक पदार्थ था और जब इसको तोड़ा, ये अभिक्रिया हुआ तो दो पदार्थ में बन गया, दो या दो से अधिक पदार्थ इसमें बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो आपका जो, आपको जो है लैंग्वेज भी दिख रहा होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक बड़े पदार्थ जो है दो या दो से अधिक जो है छोटे पदार्थों में विभक्त हो जाती है, तो उसी को जो है वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और संयोजन में क्या हो जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है और वो मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण कराता है। इसमें क्या हुआ, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, एक ही पदार्थ बना है, एक से ज़्यादा पदार्थ बन ही नहीं सकता, याद रखिएगा हमेशा। इसके बाद इसमें क्या है कि एक के को बड़ा पदार्थ था, इसमें एक के को तोड़ना है और इससे एक या एक से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ बन सकता है, तो इसको वियोजन। तो संयोजन अभिक्रिया जो है वियोजन अभिक्रिया के उल्टा है, विपरीत है। ये दोनों के दोनों जो है अभिक्रिया एक दूसरे के जो है विपरीत है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि बताइए कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया से किस प्रकार भिन्न है। तो आप पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में लिख दीजिएगा, 2-3-4-5 उदाहरण दे दीजिएगा, और उसके बाद जो है वियोजन का, और उसके बाद नीचे लिख सकते हैं कि चूँकि संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ का योग होकर एक नया पदार्थ बनता है और वियोजन अभिक्रिया में एक बड़े पदार्थ जो है अन्य दो या दो से अधिक छोटे पदार्थ में टूट जाते हैं, तो अतः इस प्रकार जो है ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के उल्टा है, विपरीत है, ये दोनों अपोजिट है। तो आई होप कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे जो अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया है, तो ये सब अभिक्रिया जो है और नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और इस पर जो है आप बहुत सारा उदाहरण लिख भी सकते हैं, तो आप घर पर जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। और ऐसे हम जो है सूत्र बनाना जो है सिखा चुके हैं, और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा। उसमें बेसिक केमिस्ट्री करके जो है टोटल 7 वीडियो है और वो केमिस्ट्री का जो है रीड है, और तत्व का नाम उसमें जो है उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, धातु अधातु, ये सब बताया गया है, यौगिक का निर्माण, आयनिक यौगिक, तो ये सब आपका क्लियर उससे हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपको ये सब जो है मतलब आसान, ये नहीं कि अभिक्रिया याद रखा जाता है, अभिक्रिया याद नहीं रखा जाता है, सिर्फ तत्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वैलेंसी और उसका जो है आप लिख लीजिएगा, तो ये सबसे आप बना सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस यही दो अभिक्रिया देखे हैं, आने वाला वीडियो में जो है आगे करके जो है देखते रहेंगे। तो तब तक के लिए जो है जय हिंद, आपका दिन शुभ।